नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति में एक अलग और बेहद खास पहचान रखने वाले पप्पू यादव का एक अंदाज आशिकाना दिल का भी है। पप्पू यादव का दिल जिस रंजीता रंजन के लिए धड़कता है, उनके साथ उनकी लव स्टोरी भी बेहद खास है। पप्पू यादव पिछले कई सालों से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, साथ ही साथ वो जाप के सुप्रीमो हैं, पूर्व सांसद हैं और उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। 24 दिसंबर को पप्पू यादव अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने पप्पू यादव की बेहद खास लव स्टोरी लेकर आए हैं। जानते हैं पप्पू यादव को रंजीता रंजन उनके ज़िंदगी में कैसे मिली, इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई और आखिर इन दोनों की लव स्टोरी में क्या खास है। दरअसल बात 1991 की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक मामले में पप्पू यादव पटना की जेल में बंद थे। वे अक्सर जेल सुपरिटेंडेंट के आवास से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में एक विकी था। पप्पू की विकी से नज़दीकियाँ बढ़ गई। फिर एक दिन पप्पू ने उसकी फैमिली एल्बम में रंजीत की टेनिस खेलते हुए तस्वीर देखी। ये पहली नज़र में प्यार था। उसके बाद जब जेल से छूटे तो रंजीत को देखने अक्सर वहां चले जाते थे जहां वो टेनिस खेला करती थी। पप्पू यादव ने पहली बार उन्हें पटना क्लब में देखा था। ये पप्पू की लड़की से मिलने और इम्प्रेस करने के मौके तलाशने का दौर था, लेकिन रंजीत को ये पसंद नहीं था। उनकी बेरुखी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तो पप्पू भी अपनी कोशिश छोड़ने को तैयार नहीं थे। पटना के मगध महिला विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद रंजीत ने पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और वहीं टेनिस की प्रैक्टिस करने लगी। वे नेशनल और इंटरनेशनल टेनिस खेला करती थी। पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे। अब पप्पू यादव ने रंजीत को फॉलो करने के लिए पटना से पंजाब तक के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। ये सिलसिला करीब 3 साल तक चलता रहा। 2 साल तक तो रंजीत को इसका पता भी नहीं चला। जब इस दीवानगी का पता चला तो रंजीत ने कड़े शब्दों में मना कर दिया, लेकिन पप्पू कहाँ मानने वाले थे। उन्हें नहीं मानने पर यह भी समझाया कि वे सिख हैं और पप्पू हिंदू, इसीलिए परिवार वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। अब बात परिवार तक पहुंचने की बारी थी। रंजीता के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन पप्पू यादव के आनंद मार्गी पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया अपनी बेटी की खुशी के लिए राजी हो गए थे। पप्पू अब रंजीत के बहन बहनोई को मनाने चंडीगढ़ जा पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच राजनीति में मुकाम बना चुके पप्पू यादव को पता चला कि कांग्रेस नेता एस एस आहूवालिया की बात रंजीता का परिवार नहीं टाल सकता है। फिर क्या था, पप्पू ने दिल्ली जाकर अहुवालिया से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने मदद भी की। प्यार को पाने की इस कोशिश का क्लाइमेक्स तब आया जब हताशा में पप्पू ने नींद की ढेरों गोलियां खा ली। हालत बिगड़ी तो इलाज के लिए उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि PMCH में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद उनके प्रति रंजीत का व्यवहार कुछ नरम हुआ। ये इस प्रेम कहानी का टर्निंग पॉइंट था। रंजीत के पप्पू को लेकर सॉफ्ट होने के बाद उनके माता पिता भी मान गए। फिर दोनों की शादी पूर्णिया के गुरुद्वारे में होनी तय हो गई। तय हुआ कि फिर शादी आनंद मार्ग पद्धति से होगी, लेकिन एक और गतिरोध का आना बाकी था। शादी के लिए दुल्हन रंजीत और उनके परिवार को लेकर आ रहा चार्टर्ड विमान रास्ते में ही भटक गया। इसके बाद तो हंगामा मच गया। अंततः जब विमान पहुंचा तो सबों ने राहत की सांस ली। फरवरी 1994 में पप्पू एवं रंजीत की शादी के लिए पूर्णिया की सड़कों को सजाया गया। सारे होटल और गेस्ट हाउस बुक कर दिए गए थे। इस शादी में चौधरी देवीलाल, लालू प्रसाद यादव, DP यादव और राज बब्बर सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए थे। आम लोगों के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। पप्पू और रंजीत रंजन बिहार की पहली जोड़ी है जिसने एक साथ संसद में प्रवेश पाया है। आज पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं, तो पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से कांग्रेस के पूर्व सांसद रही हैं। आज रंजीता रंजन दमदार राजनेता के साथ अच्छी पत्नी एवं 2 बच्चों की मां भी है। पप्पू अपनी पत्नी की सराहना करते थकते नहीं हैं। उनके ईमानदार एवं बिना लाग लपेट वाले स्वभाव के वे कायल हैं। तो ये थी पप्पू यादव की लव स्टोरी, जो बेहद खास और अलग थी। जहाँ पप्पू यादव हिंदू तो उनकी वाइफ पंजाबी थी, लेकिन आखिरकार उनके प्यार को मंजिल मिल गई और इस प्यार का खूबसूरत सफ़र 1994 में शुरू हुआ, जो चलता चला जा रहा है और आज दोनों बखूबी से अपने परिवार
को चला रहे हैं, राजनीति में बेहद सक्रिय हैं और दोनों की जोड़ी बिहार में एक मिसाल के तौर पर मानी जाती है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, अन कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।